हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटा, जैसे कि आपकी इंडियन इकोनॉमी की बुक में से मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करा हुआ है। इस फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो जिसमें बेटा हम आपका सेकंड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने आपको इसके चार फीचर्स पढ़ा दिए थे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब बेटा मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ नेक्स्ट जो इसके फीचर्स बचे हुए हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो देखो बेटा आपका फिफ्थ फीचर जो है वो है रैम्पट पावर्टी। रैम्पट का मीनिंग है फैलना, पावर्टी का मतलब है गरीबी, यानी कि गरीबी का फैलना। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, बल्क का मीनिंग है झुंड, बहुत से लोग, ठीक है, उसको बोला जाता है भी पॉपुलेशन, यानी कि मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो गरीब ही हुआ करते थे। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन बहुत वेरी पुअर, यानी कि ज़्यादातर लोग गरीब थे। पीपल वर नॉट गेटिंग टू स्क्वेयर मील्स इन अ डे, और लोगों को एक दिन में दो वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। दे लैक्ड शेल्टर, उनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, एंड क्लोथिंग, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ऑल दिस वॉज ओइंग टू वाइड स्प्रेड, और ये सारा कुछ क्यों फैला, वाइड स्प्रेड का मीनिंग है सारे का फैलना, ये सारा क्यों फैला, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, क्योंकि बेरोजगारी थी इसलिए। एंड मैसिव इलिटरेसी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो अनपढ़ हुआ करते थे इसलिए। समझ में आई बेटा बात आपको, यानी कि गरीबी फैली हुई थी, घर में दो वक्त का खाना नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो इसका कारण क्या था, बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जो है गरीबी चारों तरफ फैली। आगे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग नहीं पता होता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें। सबसे पहले आता है मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग हो गया संचार के साधन, एक दूसरे से बात करने के साधन, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, नेट या फिर सोशल मीडिया। ऐसा कुछ नहीं था पुराने ज़माने में। अगर ना मोबाइल होता, सॉरी टेलीफोन होता भी था, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली के पास होता था, जैसे कि हम ब्रिटिश सरकार की बात कर लें, या फिर जो बहुत बड़े बड़े ओहदे के ऊपर लोग थे उनके पास बात कर लें। एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि आगे लोग जा तो बैलगाड़ियों से सफ़र करते थे, या फिर वो पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ना तो कोई गाड़ी हुआ करती थी, ना ही कोई साइकिल। इवन कि साइकिल तक खरीदना बहुत महंगा पड़ता था, वो हमें ऐसे नहीं मिलता था। अगर किसी के पास साइकिल होता ना, तो उसको इतना रिच मान लिया जाता था कि ये तो भी बड़ा रिच बंदा है, इसके पास साइकिल है, ठीक है। लेकिन आजकल तो गाड़ियाँ भी आ जाएँ तो भी हम कहते हैं कि ये चीज़ें कम हैं। तो आ गया जनरेशन ऑफ पावर एनर्जी। जनरेशन ऑफ पावर एनर्जी का मीनिंग क्या है कि पहले ज़माने में जो एनर्जी पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो भी हमारे पास नहीं थी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर लें, है ना, या फिर हम कोई और बहुत सारे कोला वगैरह हो गया। कोला तो चलो आम था, लेकिन हमारे पास जो है कुछ चीज़ें पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें नहीं होता थी। अगर होती भी तो हम इसको डालते कहाँ पे भाई, तो हमारे पास एनर्जी के कुछ खास रिसोर्स नहीं थे, ठीक है ना। तो आगे देखो वो एक्सट्रीमली, तो हमने यही पढ़ना है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो एक्सट्रीमली लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत कम थी। 1948 में देखो हमारे पास जो बिजली पैदा करने वाले थे वो सिर्फ 2100 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। ये तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मीन्स हमारे हर गाँव में बिजली नहीं हुआ करती थी। क्या कहना, कोई बहुत ही ज़्यादा शाही बंगला हो, वो भी बिजली आने के बाद उनके पास बिजली आ जाए तो क्या कहना, ठीक है। आगे है लेंथ ऑफ रेलवे लाइन। रेलवे लाइन भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 53,596 किलोमीटर तक ही फैली हुई थी रेलवे लाइन। पक्का रोड्स हैड अ कवरेज ऑफ 155,000 किलोमीटर ओनली। वो जो पक्का रोड था वो सिर्फ 155,000 किलोमीटर तक बना होगा। आपको सुनने में 155,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जिस हिसाब से अपनी अर्थ देखो कितनी बड़ी है, हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, तो 155,000 किलोमीटर कितना कुछ मायने रखता है, कुछ ज़्यादा नहीं भाई। आगे है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हमारी इम्पोर्ट का मीनिंग क्या होता है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मीनिंग है हम हमारी कंट्री से चीज़ें बाहर जा रही हैं, एक्स से एग्जिट पड़ता है ना, तो बस एक्स से बाहर भेजना, इम यानी कि हमारी कंट्री के अंदर आना।
इसमें क्या हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, हमारी कंट्री के लोगों को तो कुछ करने नहीं देती थी अंग्रेज सरकार, और अगर हम कुछ करते भी तो हमारा बिजनेस ठप्प कर दिया करती थी। तो हमें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता, अंग्रेज सरकार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता, कि हमारे पास ना तो मशीनें बनाने के लिए कोई बड़ी सी इंडस्ट्रीज थी, तो हमें मशीनें मंगवानी होती तो भी हम ब्रिटेन सरकार के बहुत सारा कागज पड़ते, उनके जो है पैर पड़ते कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमें ये वो चीज़ मिला करती थी। द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो कंट्री थी वो डिपेंड थी ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के ऊपर, किसके लिए, मशीनरी का इम्पोर्ट करना होता या फिर हमें कुछ और चाहिए होता तो हमें बाहर वाली कंट्री से मंगवाना पड़ता। आर्म्ड फोर्स ऑफ द कंट्री आज आल्सो डिपेंडेंट हैविली ऑन फॉरन इम्पोर्ट। और देखो हमारी जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, जो बड़ी बड़ी ताकतें मतलब आर्म्ड फोर्स, जो आर्मी के हथियार थे ना, डिफेंस हथियार, इवन कि वो भी हमारी कंट्री में नहीं हुआ करते थे, वो भी हमें बाहर से मंगवाने पड़ते थे। ये देखो डिफेंस इक्विपमेंट। और इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स भी हमारी कंट्री में नहीं मिलती थी, यानी कि ना तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन गुड्स थी, ना ही हमारी कंट्री में डिफेंस गुड्स थी, ना ही हमारी कंट्री में कंज्यूमर गुड्स थी, यानी कि तीनों तीनों गुड्स हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। देखो इवन कि स्विंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन हमारे पास नहीं थी, प्रॉपर मेडिसिन हमारे पास नहीं थी, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल हमें नहीं मिलता था, बाईसाइकिल, वो तो बहुत दूर की बात रहेगी, जब हमारी बेसिक चीज़ें नहीं पूरी हो रही तो ये तो बहुत दूर की बात है, है ना। तो देखो इतना माड़ी कंडीशन कर रखी थी इकोनॉमी की हमारी, की ध्यान रखना हम फ्यूचर से पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का। आगे लिमिटेड अर्बनाइजेशन, लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मीनिंग है कि लोग शहरों में नहीं रहते थे, लोग गाँव में रहना पसंद करते थे। अगर लोग गाँव में रहते उनका भी एक रीज़न था कि हमें शहर में कोई काम तो मिलेगा नहीं, अगर हमें सेट भी होना है तो वहाँ पर हर एक चीज़ में बहुत महंगाई है, इतना बड़ा जीवन वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, तो वो ज़्यादातर गांव में रहते, वहाँ पे खेती करते, अपना और अपने परिवार का गुजारे, जितनी फसल पैदा कर लिया करते थे, यही उनके लिए काफ़ी हुआ करता था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो लोग थे वो गांव में रहते थे। देखो 14% पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ शहरों में रहा करती थी, 86% जो थे रूरल एरिया यानी कि गाँव में रहा करते थे, ठीक है। तो आगे है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है ना तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से सोशलिस्टिक थी, ना ही हमारी तरह भी हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक थी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है कि सारे डिसीजन ना तो सरकार के हाथ में थे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है ना तो सारे डिसीजन, मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है सारे डिसीजन सरकार लेगी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है सारे डिसीजन लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और आज भी हमारी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमें पता है कि डिसीजन दोनों मिलके लेते हैं, कभी सरकार ले लेती है, कुछ प्राइवेट महकमे हैं, कुछ हमारे गवर्नमेंट महकमे हैं, यानी कि दोनों की चलती है, लोगों की भी चलती है, गवर्नमेंट की भी चलती है। तो ऐसी इकोनॉमी ना थोड़ा सा कम जो है ग्रोथ करती है जहाँ पे दोनों की चले, या अगर पूरी तरह से लोगों की चलने लग जाए तो लोग अपना प्रॉफिट देखेंगे, अगर सिर्फ सरकार की चलने लग जाए तो सरकार सिर्फ जो है सोशल वेलफेयर तो देखेगी लेकिन वो प्रोड्यूसर्स जिनको प्रॉफिट होना चाहिए उनके बारे में नहीं सोचेंगी। तो इकोनॉमी तो मिक्स ही होनी चाहिए, हम ये नहीं बोलते, लेकिन सोशल इकोनॉमी के मिक्स होने का प्रॉब्लम ये है कि करप्शन बढ़ जाता है, जैसे कि हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे है बेटा कॉलोनियल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी का मीनिंग है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना हमारी इकोनॉमी को। तो आगे देखो इंडियन इकोनॉमी वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये देखो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अड्डा बन चुकी थी हमारी इकोनॉमी। इट इम्प्लाइड एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को जितना जो था प्रताड़ित करना था उन्होंने किया। देखो कैसे किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए ताकि कोई भी आम बंदा कंपनी खोलने के बारे में सोचे ही ना। इंडियन इकोनॉमी ने रॉ मटेरियल जो हमारा किसान पैदा करते थे उसको अपने घर में ले गई, यानी कि ब्रिटेन में ले गई, वहाँ से चीज़ें बनाई, उसको जो है सस्ते भाव में हमारी कंट्री में लेके आई, फिर लोगों को महंगे भाव में बेच दिया। एल्ट्रोसिटीज़ का मीनिंग होता है अत्याचार करना, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे यानी कि जो हाथ से काम किया करते थे, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे गुण थे काम करने के, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार कर दिए गए, उनका कहा गया कि आप कोई काम नहीं करोगे, अगर आपने काम करा तो हम आपको मारेंगे पीटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपके आज फीचर्स जो हैं इंडियन इकोनॉमी के डन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेटे, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।